हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छात्र पैलेस के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो जॉब अपडेट निकाला गया उसके बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है और जो पद है इस नौकरी के लिए वो है असिस्टेंट इंजीनियर डेप्यूटी रिसर्च ऑफिसर। तो ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर और डेप्यूटी रिसर्चर ऑफिसर, ठीक। लास्ट डेट या बोलते अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने का वो है 7 मई 2021। तो आप 7 मई 2021 से पहले फॉर्म भर लीजिएगा अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, जो कि मैं अब अगले पॉइंट बताने वाला हूँ। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस जॉब के लिए है डिग्री ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियर में डिग्री होना चाहिए आपको। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। जो एज लिमिट है यानी कि जो उम्र सीमा आयु सीमा है वो है जनरल के लिए 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स कि जो जनरल कैटेगरी के में जो आते हैं उनका उम्र 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो रिजर्व्ड क्लास है उनके लिए गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया गया होगा। और एक बतायातम जानकारी के लिए कि जब कोई भी जॉब वैकेंसी निकलता है तो उसका एडवर्टाइजमेंट या फिर बोले तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो उसके वेबसाइट पर डाला जाता है। आप जब अप्लाई करने जाएंगे या फिर अप्लाई करने के लिए आप, मैंने बोला है ना कि ऑफिशियल वेबसाइट जाके विजिट करना है, तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे एक लिंक दिया रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया है या फिर बोले तो एडवर्टाइजमेंट जो निकाला गया है जॉब के लिए वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब डाउनलोड करते उसको पूरा रीड कीजिएगा कि इसमें कितना कौन कौन सा एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें आयु सीमा है तो SC ST के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है, जो दिव्यांग है बोले तो क्या बोलते हैं उसको डिजेबल है उनके लिए क्या है। तो आप पूरा डिटेल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप एक बार निश्चित पढ़ लीजिएगा जब आप जॉब के लिए विजिट कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट। तो और सैलरी की बात करें तो वो है पे मैट्रिक्स लेवल ए पर मंथ, यानी कि आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका तो आपको जो मासिक जो वेतन मिलेगा वो है पे मैट्रिक्स लेवल ए, लेवल एट ए के बेसिस पे। और जो एप्लीकेशन फ़ी है यानी बोल तो आवेदन जॉब करेंगे तो उसका जो फ़ी होता है वो है 1000 रुपये जनरल के लिए। और रिजर्व्ड क्लास को कुछ रिलीफ दिया गया है उसमें, मतलब कि किस में, एप्लीकेशन फ़ी में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें यानी कि जब हम फॉर्म भर देंगे तो जो हमारा चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगा, वो होगा रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे। मीन्स आप पहले रिटर्न एग्ज़ाम देंगे, जो विद्यार्थी रिटर्न एग्ज़ाम में पास कर जाएगा फिर वो जाएगा इंटरव्यू राउंड में, और फिर इंटरव्यू राउंड में हो जाएगा तब जॉब पक्का हो जाएगा आपको, तब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तब ज्वाइनिंग हो जाइएगा। और ये बात सब ठीक है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। अप्लाई कैसे करना है वो लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, आप लिंक नोट कर लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा जहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट ना हो तो आप अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा जिनसे उन्हें भी मदद हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रेगुलर जॉब अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ।